અવારનવાર વિવાદોના ઘેરામાં આવતી સુરક્ષા અને ખટોદરા પોલીસ ફરીથી વિવાદમાં આવી ગઈ. પોલીસ મથકમાં મિત્રોને માત્ર ચા આપવા ગયેલ અલથાણભટા વિસ્તારના રમાકાંત વર્માને પી સ્ટાફના પોલીસ જવાનોએ કહ્યું કે સુરતમાં અગલી બાર દેખેગા તો તેરા કાઉન્ટર કર દૂંગા, આવી કહીને જ કૂટી નાખ્યો. યુવકે આક્ષેપો લગાવ્યા છે કે પોલીસવાળાને ઈચ્છા થઈ એટલે એણે મને ઢોર માર માર્યો. હવે સાંભળીશું ભોગ બનેલા યુવકનું શું કહેવું છે. जी आपका नाम? रमाकांत वर्मा. पिता का नाम तुलसीराम वर्मा. कहाँ रहते हो? अल्थान भटार खुड़ियार नगर. अच्छा, क्या घटना बनी? घटना सर, हम चाय लेने गए थे. हमारे जो दोस्त तार थे वहाँ नीचे 151 में लॉकअप में, तो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं. मैं चाय देने गया था, तब जैसे मैं चाय दे करके बाहर निकला, वैसे ही धर्मेश भाई करके एक हैं और उनका ड्राइवर आके मुझे पकड़ लिए. बोले कहाँ घूम रहा है? मैं बोला सर मैं चाय देने आया था. बोले इसको ले लो ऊपर, बराबर सर्विस करो, मारो वारो. तब तक फिर आ गए एक महेश चौधरी करके हैं कैशियर, वो सीधा आ करके मुझे दो पहले यहाँ पे मारे नीचे लॉकअप के नीचे, कैमरा भी वहाँ पे होगा. तो मुझे फिर ऊपर धक्का देते हुए ऊपर ले गए डिस्टर्ब रूम में. फिर वहाँ पे धर्मेश और नया वो पटेल साहब PSI हैं डिस्टर्ब के, वो और महेश चौधरी धमा और योगेश भाई करके हैं. जैसे केबिन में घुसो तो चेयर पे वो बैठते हैं. ये चार जन मुझे बहुत मारे और उनके साथ में उनका एक ड्राइवर भी था, जिसमें मेरा 17,300 रुपये भी जेब में था. उसका ड्राइवर निकाल लिया. महेश चौधरी बोला पैसा भी निकाल लो. क्यों गए थे आप पुलिस स्टेशन? मैं चाय लेके गया था. इसके लिए लेके गए थे? मेरे दो मित्र थे, दो दोस्त थे. आपको चाय देने पे से मारा पुलिस? हाँ सर, चाय देने में. पूछा भी सर मेरा गुनाह क्या है. बोले कोई गुनाह नहीं, बस तेरे को मारने का मन हो रहा है तो मारेंगे. मैं कोई गुनाह नहीं कोई. मैं बोला कोई अर्जी कोई एलिगेशन कुछ भी हो तो बताओ. बोले नहीं नहीं मुझे मानना है तो मानना है, और अगर सूरत में दिखेगा तो तेरा मैं इनकाउंटर करवा दूंगा. और मैं जेल जाके भी आया हूँ. कौन बोला था? ये महेश चौधरी बोला और धर्मेश भी बोला कि मैं इनकाउंटर करवा दूंगा. मेरे को पुलिस स्टेशन में केस लिखने का है, क्या करने का है क्या नहीं. मेरे पास तो वर्दी है, तुझे मैं कहीं भी रहेगा मैं ढूंढ करके मारूंगा. ओके.